अमल मेरे साथ, तेरे अमल तेरे साथ है तो दावत क्यों दे रहा तू? कितने लोगों को तैयार करे यार, अभी तक कितने लोग तैयार हुए शकील को मारने की? कुछ कितना पूछे देखो, दलील तो कुछ ज्यादा बन रहा है, 5 मिनट बहुत हो गए रे। दलील पेश करो, बोला तो बगैर दलील का मान ले। चाकन में इतने दिन से मेहनत कर रहे, कुछ तैयार हुआ क्या? कुछ रिजल्ट आया क्या? है कितने दिन से यार, कितने दिन से बोल रहे यार? ये रमजान का आएगा, ये रमजान में एक साल हो जाएगा चाकन में तुम लोग को, कहा झक मरा रहे देखा, तेरे को एक साल हो जाएगा। इब्राहिम भाई ने के पेंटर, किसको दावत दिया तूने? 2-3 महीने से क्या बोले बोले बिहार लोग? अरे ये चाकन में सब यूपी बिहार के है, ये बता मेरे को तू बोल उधर से जवाब क्या है? शर्म तूने बोला मेरा है, उसने दावत दावत क्यों दिया? कुछ बैठ का तरीका क्या है? मोहल्ला क्या बोल रहे? इधर पूछ, इधर पूछ, इधर पूछ, इधर पूछ। पटना में हुआ। किसके यहाँ में? अमीर के यहाँ। अरफात। अच्छा, वो अमीर है तुम्हारा? जी। क्या करता है? क्या है जो आपसे सुन का तरीका था? वो क्या तरीका बता, तरीका क्या है, कैसे बैठ करते? हाथ पे हाथ रख के आगे, अरे क्या बोलता है? हाथ पे हाथ रख के चाटने का क्या रहता है कि खुशी भी मानेंगे, गमी भी मानेंगे, दिल चाह तो भी मानेंगे, दिल नहीं चाह तो भी मानेंगे, और दिल चाह तो भी मानेंगे, दिल नहीं चाह तो भी मानेंगे, हम पर किसी की तरजीह दी जाए तो भी मानेंगे जी, हम पर किसी की तरजीह दी जाए तो भी मानेंगे। और एक रहता है भूल गए खुशी मानेंगे, गमी मानेंगे, और हम पे किसी की तरजीह दी जाए तो भी मानेंगे, और अमीरी भी मानेंगे, गरीबी मानेंगे, चार सबसे किसको मानेंगे सब कुछ बोलने को लगा? अल्लाह उसके रसूल की बात मानेंगे। तो उसके रसूल की बात मान कहा रहे तुम लोग? उसकी बात अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की कहाँ मान रहे तुम लोग? कुछ अंधेरे में लग जाते अंधेरे कमरे शकील को देखा क्या तुमने? सलमान को सलमान वो पॉइंट की बात, अंधेरे कमरे में लग जाकर रोशनी छुड़ी जाती है आंखों में? नहीं, तू भूल रहा है, नहीं इतना बोल के छोड़ देते, बैठ हो जाते, उसका कुछ पर्ची दी जाती? नहीं। और क्या करते उसके अलावा, क्या करते अंदर? क्या उसके बाद सुन्नतों पे आते हैं? क्या सुन्नत? नमाज पढ़ने लगते हैं और सुन्नतों पे? किसकी सुन्नत? कुर्ते पजामा पहनने लगते? सुन्नत किसकी? अल्लाह उसकी नियत क्या करते तुम नमाज की? तो अल्लाह रसूल, रसूल को तो मानते नहीं तुम लोग? तो रसूल भी कैसे नहीं मानते? रसूल को मानता हूँ। तो किसको मानते? रसूल को ही मानता हूँ। तो नबी कौन है? अल्लाह के नबी। और शकील बिन हनीफ कौन है? वो रेवर है, काफिर। काफिर है ना? काफिर, कुफर का फतवा लगा हुआ है, इसलिए कि नबी का दावा किया ना उसने। जो भी मैं क्या पूछ रहा हूँ, एक मिनट, नबी का दावा किया ना उसने? नहीं, नबी का दावा तो नहीं। क्या किया फिर? नबी तो आप ही है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मसीह का? आपको बता दे रहा हूँ, मसीह का दावा किया? हाँ। मसीह का किया है ना, तो मसीह हो। अच्छा, मसीह कैसे पैदा होते और कहाँ से आते? कहाँ से आते? माँ के पेट से पैदा होगा जन के? हाँ। या अल्लाह उसको पैदा करेगा डायरेक्ट? नहीं, ये माँ के पेट से। माँ के पेट से? माँ के पेट से। मसीह की माँ का नाम हजरत ईसा? और क्वेश्चन, मसीह की माँ का नाम? मसीह की माँ का नाम वो तो ईसा इब्न मरियम है। अब्बू का नाम? अब्बू का नाम शकील बिन हनीफ है। शकील बिन हनीफ है? मसीह के अब्बा है, वरना ये ईमान में है ही नहीं। अभी एक और मसीह के बाप बोले तो कितने मसीह है? आप पुराने वाले बात कर रहे हैं, मसीह कितने? पुराने वाले के तो बाप नहीं थे, कादियानी है ना? कादियानी किसका पुत्र है? पुराने उसका नवी कादियानी है ना? मुसलमान कहाँ से? मुसलमान है, न्यू जर्नलिस्ट, वही न्यू जर्नलिस्ट। नवी पैदा हो गई क्या? मुसलमान खुद क्यों पैदा करेगा? जो बोल रहा था कौन से वाले मसीह, तो अभी कौन सी मसीह है? ईसा इब्न मरियम जो आए, रिटर्न हुए, रिटर्न आ गए। कितना अरसों आने को उनको? चलो तो एग्जैक्ट नहीं मालूम, एग्जैक्ट तो नहीं मालूम मुझे, फिर भी एक अंदाजन कितना अरसा हो गया? मेरे को 3 साल पहले दावत पहुंची मिला था। तो तू मिला ईसा इब्न मरियम से? हाँ मिला। कहाँ मिला? औरंगाबाद। उनका हुलिया कैसा है? सीधे बार कहा रहता हूँ, औरंगाबाद में कहा रहता हूँ। हुलिया मुबारक सुनिए, नौजुबिल्लाह, सीधे बार जिसमें रहता है सीधे बात। और आपसे जब मेरे रास्ते गए तो बताए कि मैंने
ईसा अलैहि सलाम को देखा जो आगे के मत बोल, गलत बात कर रहा, मत बोल, हदीस के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो मसीह को देखा उसका हदीस के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे, हदीस की बातें मत सुना, ठीक है गलत सलात हदीस नहीं बताने, सीधे बात, और दरमियाना कले और गेहुआ कले, यानी न ज्यादा गोरे न ज्यादा काले, अच्छा उसके अलावा और तुम्हारे कितना अरसा हुआ है मतलब आए बोले तो, अरे तू बोले दूसरे मसीह आए है ना, हाँ तो कितना टाइम हो गया उनको आने, एग्जैक्ट तो पूरा मुझे नहीं, लेकिन मुझे मुझ तक ये दावत 3 साल पहले पहुंची है। अच्छा तो मसीह कब तक रहने वाले, उनका टारगेट क्या है, उम्र क्या है उसकी, तो मुझे भी नहीं मालूम, वो जो आया है उसकी उम्र कितनी है अभी, तो मुझे भी नहीं मालूम की उम्र, ये उम्र है, उम्र उम्र मालूम है, यूसु की बात कर कितनी, 50 का बुड्ढा है और अभी शक मार रहा है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये क्या बोल रहे हैं, बेवकूफ साले, उनके आने के 50 साल पहले आया है दुनिया में, वो तो फौरन मालूम पड़ना चाहिए कि आ गया है दुनिया में, ना हदीस है उसकी 3 साल बता दो, हदीस है क्या नहीं है, है ना, ऐसा तो बुढ़ा भी आया है, अल्लाह के नबी ने हमें ऐसा कैसा नहीं छोड़े ला, उनका मन चाह 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद वो नहीं, ये 1 मिनट आप सुनिए ना, ये क्या बात कर रहा है कि हदीस में ऐसे बाल है, नऊज बिल्ला जो भी बोल रहा है कि हदीस का ये सहारा ले रहा है, ठीक है हदीस से गलत गलत है तो गलत ही बात कर रहा है, लेकिन हदीस का ये सहारा ले रहे, लेकिन जब उसके आने पर हम मौलाना बात कर रहे हैं इसे तो क्या बोलता है, नहीं मालूम है हदीस का सहारा नहीं ले रहा, नहीं, नहीं। तो अल्लाह के रसूल के हदीस के एक ही टाइम है, आने के बाद का है, आते आते टाइम का हदीस नहीं है, तो कहाँ नाजिल होंगे, कैसे हदीस भी तो तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं ना, हदीस भी वो ठोस हदीस का है, ये सब गलत बात कर रहा है, ये गलत बात कर रहे हैं, गलत बात, मुर्तद है, मुर्तद हो गया, और बोलता है कि मैं अपने मन से जीऊंगा, अल्लाह के नबी के मानने वाले मन से जिएंगे, और आपसे अगली बातें करेंगे, मैं क्या इसकी पर में गुस्सा, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ जो बंदे है इसके ये उसको खामोशी में बुला नहीं रहा, बस इसका मुझे जवाब चाहिए, मुझे इसका जवाब चाहिए, बस आयशा मस्जिद की तरफ 5 लोगों को दावत दिया, उनको हाजिर कर, कौन है, नाम भी मालूम नहीं चाहिए, और तेरा हनीफ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, नाम बता।